हेलो। और आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है? एडवांस में आपको बधाइयां हैं नंबर्स की, ठीक है? तो चलिए हम ये जो हमारा लास्ट मंथ जो की जो स्ट्रेटेजी है गेट की, स्टार्ट करने से पहले मैं चार आपके सामने थोड़ी सी लाइंस कहूंगा, ठीक है? तो बड़ा ध्यान से सुनिए, ठीक? बहुत ही मोटिवेशन है, ठीक? मुझे तो बहुत काफी मोटिवेशन मिलता है, ठीक? मैं तो काफी टाइम में कहता रहता हूँ, खुद ही सुनता रहता हूँ, खुद ही सुनाता रहता हूँ, ठीक? चलिए। सुबह शाम तू पढ़ता जा, उठते आलस से लड़ता जा, अब मंजिल तेरी दूर नहीं है, हिम्मत से आगे बढ़ता जा। पढ़ने लिखने से आसान, पढ़ने लिखने से आसान दुनिया में कोई दूसरा काम नहीं। तो देखता क्या है फिर इन पन्नों को, तो देखता क्या है फिर इन पन्नों को, सोच समझ के तू पढ़ता जा। कायर है वो जो करते हैं मोल भाव सफलता का, कायर है वो जो करते हैं मोल भाव सफलता का। चोरी और चीटिंग तेरा काम नहीं, चोरी और चीटिंग तेरा काम नहीं। तू लाज अपने मात पिता की रखता जा, तू लाज अपने मात पिता की रखता जा। बहुत जरूरी है ये तेरे शॉर्ट नोट्स, बहुत जरूरी है तेरे ये शॉर्ट नोट्स, इनमें काम की बातें लिखता जा, इनमें काम की बातें लिखता जा। अब परीक्षा तेरी दूर नहीं है, अब परीक्षा तेरी दूर नहीं है, तू रोज रिवीजन करता जा, तू रोज रिवीजन करता जा। सुबह शाम तू पढ़ता जा, उठते आलस से लड़ता जा, अब परीक्षा तेरी दूर नहीं है, अब परीक्षा या तेरी मंजिल दूर नहीं है, हिम्मत से आगे बढ़ता जा, सुबह शाम तू पढ़ता जा। तो आई होप थोड़ा बहुत आपको लाइन्स अच्छी लगे, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, ठीक है? तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि लास्ट मंथ की स्ट्रेटजी, ठीक? तो मैं थोड़ा सा इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाता हूँ, ठीक? चलिए कि कैसे पढ़ना है बेसिकली। देखिए बिना इफेक्टिव टूल्स, हमारे पास टूल्स है, हमारे पास सारा मतलब मटेरियल होगा, बट अगर आपके पास स्ट्रेटजी नहीं है तो वो फिर किसी काम की नहीं, ठीक? हम कोई भी मतलब हम अगर कहीं युद्ध भी करने जाते हैं तो वहां कहते हैं, मतलब सभी लोग जानते भी हम लोग कि बिना प्रिपरेशन के कि कोई भी हम लड़ाई जीत नहीं सकती। ये भी हमारी एक जिंदगी की ही लड़ाई है, तो इसमें भी हमारी स्ट्रेटजीज होनी चाहिए अगर सफल होना है, कि हम लोग बहुत मेहनत करते आए हैं। और ये भी ध्यान रखना कि लाइफ में किसी को भी बनने के लिए ना यार दो ही मौके मिलते हैं, ठीक? एक तो हम लोगों का जो मौका एक चला गया वो कब था, जब 12th पास आउट हुए थे। अब एक मौका ये है ग्रेजुएशन के बाद, और ये मौका गवा दिया तो इसके बाद कोई पूछने वाला नहीं है, जिंदगी आपके साथ वो खेल खेलेगी कि जिंदगी भर आप रोएंगे, ठीक है? तो यहां से हम लोगों की जिंदगी बदल सकती है, तो बिल्कुल बदलनी ही है, कि मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है भाई, तेरे पास भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, और कोई ऑप्शन ना ही होना मेरे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, कोई ऑप्शन ना ही होना मेरे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ठीक? कि मुझे ये अचीव ही करना है कि नो का तो कोई चांस ही नहीं है, ठीक? बहुत से स्टूडेंट्स लोग जो फोर्थ ईयर में होंगे, ठीक, मेरे जैसे होंगे, ठीक, तो काफी लोग मैंने मेरे दोस्त भी हैं, ठीक, तो वो क्या मन बना लेते हैं कि नहीं यार ये अभी प्रिपरेशन सही नहीं है, तो चलो अगली साल जो है मतलब तैयारी करेंगे तब एग्जाम देंगे। अबे यार तुम ना अपनी स्ट्रेंथ ही नहीं पहचान रहे हो, ठीक? यार हम लोग इंजीनियर्स हैं और हमारे अंदर वो पोटेंशियल है, ये पता है आपको, बस पोटेंशियल को आप जज नहीं कर पा रहे हैं। कि यार पता है जब एग्जाम होते हैं, हमारे सेमेस्टर एग्जाम होते हैं, तब सिर्फ एक रात ही पढ़ के ना 45 50 50 नंबर लड़के लेके आते हैं, 50 50 70 में से, समझ रहे ना? तो आपके पास कितना पोटेंशियल, आप सोचिए, आप अपने आप को एवरेज बनाए हुए हैं, आप एवरेज नहीं है। आप अगर उसके जितना अगर आप एफर्ट्स डाल देंगे ना, आप उससे कहीं गुना ज्यादा आगे होंगे। मैं सीरियसली मैं ये बात बता रहा हूँ, ठीक? मैं काफी लोगों में मैंने देखा ये चीज, ठीक? वो एक्चुअली अपना माइंड को तो बहुत शार्प है, बट वो अपना माइंड वहां तक यूटिलाइज ही नहीं करते, तो क्या है सब? तो वो हमें वही चीजें, ये सारी चीजें देखनी है, ठीक? तो चलिए अब हम समझते हैं। देखिए हमारा ये लास्ट मंथ है, ठीक, पता है सबको पता है, मैक्सिमम मेरे 35 डेज बचे हुए इसके गेट एग्जामिनेशन के लिए, और ये हमारा एक लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, ठीक? अब यहाँ पे बहुत सी बात, ये क्वेश्चन आता होगा कि हम यार कि मैनेज कैसे करें, जैसे फोर्थ ईयर वाले स्टूडेंट है जिनका सेमेस्टर एग्जामिनेशन है तो कैसे मैनेज करें। यार मैं बताऊंगा मैनेज करना, मैनेज कोई ऑप्शन ही नहीं हमारे पास, मैनेज करना पड़ेगा, कोई चीज मैनेज नहीं होती दुनिया में, मैनेज करनी पड़ती है आपको अपने अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग हमें करनी पड़ेगी यार, कोई ऑप्शन नहीं है। जिंदगी बदलनी है तो फिर करना ही करना है, देयर इज नो ऑप्शन, ऑप्शन मैंने पहले कह दिया, नो ऑप्शन इज अ बेटर ऑप्शन, ठीक?
कोई ऑप्शन नहीं तो उससे अच्छा कोई ऑप्शन ही नहीं। ठीक, तू समझिए, देखिए हमारे पास टोटल कितने 24 आवर्स होते हैं। ठीक, सिर्फ आपके यहाँ पे मैं कितना, मैं अभी समझाऊंगा, मैं सिर्फ 9 आवर्स ले रहा हूँ। ठीक, 9 घंटा आपको पर डे ये गेट वाला पढ़ना है। ठीक, आप कहेंगे मैं सेमेस्टर वाला कब पढ़ूंगा, तो मैं बताऊंगा कब पढ़ूंगा। ठीक, 9 घंटे आपने क्या कर दिया, अगर इधर दे दिया, ठीक है ना, और आपने मैक्सिमम नींद अब लेनी है तो 6 घंटे सोड़ाना नहीं, अब 8 बजे 10 घंटे 9 घंटे मत सोना। अब अगर सो गए तो जिंदगी भर फिर सोते रहना, फिर कोई नहीं जगाएगा। ठीक, फिर कोई नहीं जगाने वाला। ठीक, खुद नहीं जगोगे तो इस दुनिया में जगाने वाला कोई नहीं, सब पीछे ही खींचेंगे, कोई नहीं चाहेगा तुम उठो, कोई तुम्हारा यार दोस्त दिन में कोई नहीं होता। ठीक है ना, जिंदगी तुम्हें खुद बनानी है, मुझे 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 भी खुद बनानी है, आपको भी खुद ही बनानी है। ठीक, कोई नहीं यहाँ गाइड करने है, सेल्फ गाइड बनिए, अपना गाइड खुद बनिए यार, आप ही बदल सकते हैं। तो बताया कि मैं, मेरे को 9 घंटा इधर मैंने दिया, 6 घंटा अगर मैं सो लिया तो मेरे पास कितना और बचा, मेरे पास फिर भी मेरे पास 9 घंटा बचता है, फिर भी मेरे पास कितना घंटा बचा, 9 घंटा। ठीक, 3 घंटा मैंने मान लिया कि खाना पीना ये नहाना धोना ये सब कर लिया मैंने। ठीक, करना पड़ेगा मैंने, कैसे 3 घंटे, अरे करना पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, नो ऑप्शन इज बेटर ऑप्शन। ठीक है, 3 घंटा मैंने इधर दे दिया, फिर भी मेरे पास 6 घंटा है, 6 घंटा है। 2 घंटा मैंने मान लीजिए इसमें गैपिंग दे दिया कि 15-20-25-25 मिनट का मैंने रेस्ट मार लिया। ठीक, मैंने माना 3 घंटा दे दिया यार, 3 घंटा मैंने गैप मार दिया इनके बीच में। ठीक, जो स्लॉट्स मैंने दिए हैं, ठीक, मैं समझाऊ स्लॉट्स कैसे है। ठीक, 3 घंटा उधर मार दिया मेरा, 3 घंटा फिर भी बचा एक दिन में, और 1 घंटा फिर भी मैं उसमें निकाल दीजिए, 2 घंटा बचा पर डे यार, 2 घंटा बच रहा है सेमेस्टर एग्जाम के लिए, क्या 2 घंटा सफिशियंट नहीं है, बहुत सफिशियंट है, बस मन लगा के पढ़ना है, माइंड में दूसरे ख्यालात नहीं आने चाहिए। वो साल जो भी आपके पीछे घटित हुआ है, बहुत से हमने दोस्त मेरे देखे, ठीक, बहुत अच्छे अच्छे दोस्त देखे जो इतने इंटेलिजेंट है फिर भी कि पता चले गर्लफ्रेंड छोड़ गई, ये छोड़ गया, वो तो बोलो सदमे में पड़े हैं, बे यार ये अगर ये वाली चीज चली गई तो वो तो वैसे भी चली गई लात मार के, ये अगर चली गई तो जिंदगी भर रोगे। ठीक, वो वहां पे आप समझ सकते हो, वो समझना खुद नहीं चाह रही, ये आपकी गलती है, किसी की नहीं है। ठीक, ये आपकी लाइफ ये बनाएगी वो नहीं बनाएगी। ठीक, वो तो घंटा दिखा के चली जाएगी, समझ गए, घंटा नहीं बनना किसी को जो आया मंदिर में बजाया चला गया। ठीक, नहीं, अपने आप को वैल्यूएबल बनाना। ठीक, तो चलिए अब हमारा, मैं समझता हूँ इसको, ठीक समझिए कि हमारा ये अब ये जो टाइम चल रहा है 1 मंथ का, हमारा लास्ट मंथ है, वो भी हमारे डिलीवरी का मंथ है। ठीक, डिलीवरी इन द सेंस, वो डिलीवरी मत समझिए, ठीक, ये हमारी डिलीवरी, आपको पता है कि कोई भी मतलब लेडीज अगर डिलीवरी, वो मैक्सिमम पीरियड कितना होता है, 9 मंथ का। ठीक, तो उसको कितना पेन होता है, ठीक, अगर एबनॉर्मल डिलीवरी तो कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, लाइफ भी हमारी ऐसी। ठीक, हम भी मतलब जस्ट काइंड ऑफ प्रेग्नेंट, ठीक, वो वाला प्रेग्नेंट नहीं, समझिएगा कि प्रेग्नेंट इन द सेंस बिकॉज वी हैव टेकन लॉट्स ऑफ नॉलेज। ठीक, जो भी हमने 3 साल 4 साल जो भी मतलब जितने साल की प्रिपरेशन हो गई, वो हमने अभी तक जो इनपुट लिया, ये हमारा डिलीवरी टाइम है, बस यही मंथ डिसाइड करेगा अगर यहाँ पे आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो गई, नॉर्मल हो गई तो जिंदगी आपकी नॉर्मल बन जाएगी। ठीक, जिंदगी नॉर्मल नहीं मतलब आपकी उतनी इफिशियंट जिंदगी, उतनी ही अच्छी जिंदगी आप अगर आगे खो जाए, अगर यहाँ पर आपने अगर ये अपना जो नॉलेज है वो अच्छे से डिलीवर कर लिया, और इसी को मेरे को आउटपुट में बदलना है, और यही मंथ डिसाइड करेगा। अभी आप तक जो किया वो छोड़ दीजिए, ठीक, उसको मैटर नहीं करना है, पुराना वाला टाइम जो गया मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, कोई मेरे को गला, किसी से मेरे कोई गिला नहीं, किसी से सिखवा नहीं, मुझको खुद से भी गिला कोई सिखवा नहीं यार, मैंने जो भी किया बहुत अच्छा किया, अब जो करूंगा वो वेस्ट करूंगा, इससे दुनिया, इससे ज्यादा दुनिया में कोई वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, करना पड़ेगा भाई साहब, करना पड़ेगा, आप जरा सी भी सिंसियर है, अगर यहाँ पे अगर चूक गए ना तो जिंदगी भर तुमको मतलब चूकते ही रहोगे, कभी उठ नहीं पाओगे, यहां से समझ लीजिए यही लास्ट मौका है हमारे पास भी, आपके पास, सबके पास, जो भी हमारे लोग मतलब ग्रेजुएशन या लास्ट ईयर में या जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक, दिस इज द लास्ट चांस। ठीक, तो अब देखिए मैंने बहुत सारा मैंने खुद ही स्टडी किया, ठीक, मैं बहुत मैंने एक्सपेरिमेंट किया, मैंने मतलब पता चला एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, 2 दिन में पता चला पूरा निपटा दिया। ठीक, मैं ऐसे पढ़ता रहा, ठीक, तो काफी मैंने पाया, ठीक, तो उससे होता क्या यार, पता चला एक सब्जेक्ट तैयार कर लिया, 3-4 दिन हो गए, हाँ बहुत अच्छे से आ गया, लेकिन यार चलो पिछला वाला चला गया। ठीक, वही पता उसके नोट्स बना डाले खूब पूरा, मतलब ये सोम पढ़ लिया तो टॉम भूल गए, टॉम पढ़ लिया तो पता SMT भूल गया, कब पढ़ा, अब यार पगला गया था मैं। ठीक, तो फिर उसके बाद मैंने यार क्यों ना मैंने जो पीरियड टाइम, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैंने अपने पढ़ने के जो पहले आवर्स पता है पूरे दिन बैठा हूँ, लेकिन उससे कोई मेरे को आउटपुट नहीं दिखा, अभी पता मेरे को, फिर मेरे को पता चला कि नहीं यार अभी स्ट्रेटजी बदलनी है। ठीक, क्योंकि मेरे को
हमेशा ध्यान रखें गोल नहीं बदलना है, वो पाथ आप बदल सकते हैं। अगर टेढ़ा मेढ़ा पाथ है उसको सीधा करिए, कितने की हमें गोल पर, हमें टारगेट पे हिट करना है, और टारगेट पे हिट तभी करेंगे हमारी जब प्रॉपर स्ट्रेटजी होगी। और प्रॉपर स्ट्रेटजी हमने पाया, मतलब मेरे अकॉर्डिंग मेरे को ये सबसे इफिशियंट मेथड लगा, ठीक, जो मैं फॉलो करता हूं, मैं खुद का बनाया हुआ, ठीक, कहीं किसी को कॉपी वॉपी नहीं किया, ठीक, मैंने किसी को कॉपी नहीं किया। अब देखिए ये मैं लास्ट 30 डे का शेड्यूल बताऊंगा, ठीक, ये मेरा 1 जनवरी से स्टार्ट होता, ठीक, ये एक वीक का होगा, फिर इसी को रिपीट करना हमको, ठीक। अब देखिए मेरा शेड्यूल क्या है, मेरा जो पहला जैसे जनवरी होगा पहला डे होगा, ठीक, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैथ पढ़ूंगा, क्या पढ़ूंगा माय डियर, मैथ, ठीक। मैथ में जो रेशियो रहेगा टाइम का 10:120, ठीक। आपने अगर शॉर्ट नोट्स बनाए हैं बहुत अच्छी बात, अगर नहीं बनाए तो मेरे को कमेंट करिएगा, मैं आपको सारा पीडीएफ में सारे नोट्स शॉर्ट नोट्स, ठीक, कि यहाँ पर जो रिवीजन में आना चाहिए सिर्फ फॉर्मूला होने चाहिए, सिर्फ फॉर्मूले और पलटने हैं। आप सोचेंगे कि 10 मिनट में कैसे रिवीजन, नहीं, बस उठा के पलटने देखना, मतलब ये नहीं करना कि रटना नहीं बैठे, बस एक बार रीडिंग मारनी है, ठीक, बार बार रीडिंग मारनी, बस 10 मिनट में मेरे को रिवीजन उठाना है मैथ का, ठीक, और 120 जैसे मैंने कोई चैप्टर उठा लिया उसका मैं 10 मिनट पहले रिवीजन किया, ठीक, 1 घंटा 20 मिनट में उसकी पर डे प्रैक्टिस करूंगा। माय डियर मैथ 15 नंबर की है, 15 नंबर की, बहुत सरल है मैथ मेरी, बहुत सरल है, ठीक। उसके बाद आ जाता है एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड में भी सेम रेशियो लिया मैं 10:120, ठीक, कोई चैप्टर मैंने उठाया 10 मिनट मैंने पूरा चैप्टर या कोई भी रिवीजन, ज्यादा वो रिवीजन रटना नहीं है, इन द सेंस आप रटेंगे तो कभी समझ में भी नहीं और याद नहीं हो पाएगा, ठीक, क्योंकि इतना सिलेबस इतना ब्रॉड है, 3 साल का है, अब्रप्ट है, मतलब माइंड में इतना नहीं स्टोर हो पाएगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ कैसे करना, बस पलटना, ठीक, मतलब रीडिंग करते जाना, पलटते जाना, ठीक, 10 मिनट रिवीजन करना है, तो 120 1 घंटा 20 मिनट आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, किसकी, एप्टीट्यूड की। ये भी मेरा 15 नंबर का है, ये मेरा पर डे रहेगा शेड्यूल में, इसको मिस मत करना, ये हमारा डिसाइड करेगा गेट का, मतलब रैंक कैसा है इधर या उधर, यही दो सब्जेक्ट करेगा, ठीक। उसके बाद आते हैं सोम पे, ठीक, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हमारा सब्जेक्ट, ठीक। इसमें मैंने क्या स्लॉट रखा, 30:130, 30:130। अब सोम शॉर्ट, जैसे हमारे 6-7 चैप्टर हो गए, ठीक, शॉर्ट नोट्स हैं आपके पास, ठीक, सिर्फ फॉर्मूले बेस्ड जाइएगा, ज्यादा डीप में मत जाइएगा कि पता चले बुक्स उठाने लगे, बुक्स उठाने का टाइम नहीं है, ठीक। अगर आप स्टार्ट करें तो कोई मतलब नहीं, अगर नहीं भी स्टार्ट किया तो सिर्फ फॉर्मूले से आप कॉन्सेप्ट पे जाइए जरा जरा ऊपर ऊपर, ठीक, सिर्फ फॉर्मूले बेस्ड, ठीक। क्या करना, 30 मिनट मेरे को रिवाइज करना है, फिर कोई चैप्टर जैसे उठा लिया उसका 130 स्लॉट में, जैसे बड़ा बी मतलब एकदम टाइम के साथ करिएगा, 1 घंटा 30 मिनट में मेरे को उसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी जो भी चैप्टर है, ठीक। उसके बाद में टॉम थर्मोडायनेमिक्स जैसे उठा लिया, ठीक, सॉरी टॉम, ठीक, टॉम मैंने उठा लिया, ठीक, तो उसमें मैंने क्या 30 मिनट में रिवीजन करेगा, ठीक, 130 फिर वही क्वेश्चन लगाए, ठीक। सेम फिर मैंने क्या, तीसरा मेरा जो सब्जेक्ट रहेगा मेरा कोर सब्जेक्ट, वो फिर मैंने क्या उठाया, प्रोडक्शन। ये सारे मतलब मेजर सब्जेक्ट है, यहाँ से जो आपका पोर्शन आएगा मेजर आएगा, इनको बहुत ध्यान से पढ़िए, ठीक। तो 130 फिर मैं इसकी प्रैक्टिस करूंगा, और कैसी प्रैक्टिस करूंगा, न्यूमेरिकल की करूंगा माय डियर, ठीक, जितनी ज्यादा न्यूमेरिकल लगाना, थ्योरी मत पढ़ना ज्यादा, ठीक, क्योंकि गेट में हमारा 70:30 रेशियो है, रहता ही है, ठीक, और इतना ही रहेगा हमेशा, ठीक, 70% मेरा न्यूमेरिकल ही है, और न्यूमेरिकल जैसे प्रोडक्शन में बात कर लूं, ड्रिलिंग का हो गया, हॉबिंग वाले हो गए, ठीक, शेपिंग के न्यूमेरिकल्स हो गए, टूल ऑपरेशन को सारा ये आ जाता है, ड्रिलिंग वगैरह, ठीक, ये इसका जो ड्रिल टाइम होता है, ठीक, ये सब बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक। तो इसके जो न्यूमेरिकल बेसिक न्यूमेरिकल है बहुत प्रैक्टिस करनी, फॉर्मूले लिखिए, रिवाइज करिए 30 मिनट में, पूरा चैप्टर मैं भी आपको दिखाऊंगा शॉर्ट नोट, ठीक, सिर्फ मैं मेरा तो प्रोडक्शन का पता चले 5 पेज मेरा प्रोडक्शन खत्म, ज्यादा ही नहीं, 5 मिनट 30 मिनट तो मैं बहुत ज्यादा दे दिया, ठीक। तो ऐसे पढ़ना है, ठीक, फॉर्मूला बेस्ड, आप नहीं लिए तो लिख लीजिए, अगर चाहिए मुझसे चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिए, मैं पीडीएफ में आपके भेज दूंगा भैया, और ज्यादा हो तो और ज्यादा बताइए तो मैं फोटो कॉपी करा के आपके कुरियर कर दूंगा घर पे, ठीक है, मैं इतना ही कर सकता हूँ, ठीक। चलिए फिर डे टू का शेड्यूल क्या होना चाहिए, फिर वही यही रिपीट, ये तो हमारा रिपीट ही करना है, ये टाइम स्लॉट ही मेरा फिक्स है, ठीक, ये टाइम स्लॉट मेरा फिक्स है, मैथ फिर अगले, ठीक, वही सेम 10:120 एप्टीट्यूड, फिर मैं किसको उठा लूंगा, FM फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक, फिर मैं हीट मास ट्रांसफर HMT, ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक, फिर मैं थर्मोडायनेमिक्स, सेम टाइम का रेशियो सेम भाई 30:130 चलना है, ठीक, ये कोर सब्जेक्ट का जो हमारा इनका जो टाइम चलना है 30:130 ही चलना है, ठीक, 30:130, ठीक। फिर मेरा तीसरा दिन हुआ, ठीक, वहां पर भी मैथ मेरा कंटिन्यू रहेगा, एप्टीट्यूड मेरा कंटिन्यू रहेगा,
इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट उठाना मेरे को, ठीक, उसमें ऑपरेशन रिसर्च वगैरह वो सब कुछ आ जाता है, ठीक, इसमें भी फॉर्मूले बेस्ड जाना माय डियर, फॉर्मूले बेस्ड, ठीक। और शॉर्ट नोट्स बहुत जरूरी है, नहीं है तो फिर मैं कह रहा हूं आप मेरे को मैसेज कर दीजिए, मैं अपना नंबर लिखे दे रहा हूं, ठीक, 9793187607, ओके, यू कैन डायरेक्टली कॉल मी, ठीक, और मैं आपको पूरा पीडीएफ बना के भेज दूंगा शॉर्ट नोट्स, ठीक, हर सब्जेक्ट का, हर सब्जेक्ट वाइज, ठीक, मैं भेज दूंगा, ठीक। फिर डे थ्री मेरे को क्या करना है, फिर वही मैथ मेरे को यही एप्टीट्यूड हाँ रिपीट करना है, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट हो गया, फिर मेरा CIM, ठीक, मेट्रोलॉजी, उतना ही, वही टाइम स्लॉट मेरा सेम, ठीक। सर मेरा मशीन टूल ऑपरेशंस, वही ड्रिलिंग विलिंग वाले बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने इसको, फिर ये प्रोडक्शन का ही पार्ट है, लेकिन मैंने स्पेशली ऐसा क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता माय डियर, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता कि, ठीक, समझ गया ना, बहुत ज्यादा आया, ठीक। उसके बाद फिर डे मेरा जो फोर्थ होगा, ठीक, फिर मैथ्स एप्टीट्यूड, ओके, RAC, ठीक, पावर प्लांट और IC, इसमें फॉर्मूले बेस्ड जाना, प्रैक्टिस वही सेम, ठीक, इंजीनियरिंग मैकेनिज्म, ठीक। अब देखिए ये मेरा वीक वन का शेड्यूल है, वीक वन में मेरे कितने दिन यूटिलाइज हो गए, 4, कितने हुए, 4, फिर पांचवें दिन कहां पे जाना है, यहां पे जाना है, पांचवें दिन यहां पे जाना है, फिर छठे दिन यहां तक आना, सातवें दिन संडे को क्या करोगे, संडे को यार ये करना, जितना भी आपने पढ़ा, ठीक, जितना भी हो गया सारा मेरे को शॉर्ट नोट्स उठाना है, बस कुछ नहीं करना, रिवीजन करना मेरे को 3 घंटे में खाली, मेरे को रिवीजन करना है 3 घंटे, 3 घंटे मेरे को संडे को रिवीजन करना है, और किनका, कोर सब्जेक्ट का, किसका, कोर सब्जेक्ट का, ध्यान रखिए, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, बस आपने शॉर्ट नोट्स उठाने हैं, बस, ठीक, क्या करने, बस रीडिंग मारते जाना, 3 घंटे में रीड हो जाए, बहुत ज्यादा नहीं होगी, ठीक, ज्यादा आपके शॉर्ट नोट्स अगर इसमें सब मैं पेज बताऊं तो लगभग ज्यादा होंगे 100 पेजेस होंगे, ठीक, 100 पेजेस इन द टर्म्स, मतलब बहुत मूवी वो बता दिया हूं मैं, जब दूर दूर लिखा इसलिए, ठीक, तो 100 पेजेस से ज्यादा नहीं है, तो इतना सफिशियंट होता, ठीक। अब उसके बाद जो संडे वाला टाइम बचेगा उसमें आप सिर्फ और सिर्फ मैथ और एप्टीट्यूड को ही प्रैक्टिस करेंगे, ठीक, और जो टाइम अगर और बच जाता है तो अच्छी बात है, ठीक भाई, अब संडे हॉलीडे मत मनाना, ठीक, अगर हॉलीडे अब हमारा नहीं आएगा, ठीक, हॉलीडे आएगा मैं मनाऊंगा, जरूर मनाऊंगा, आप भी मनाएंगे जब बन जाएंगे, ठीक है, तभी मनाना है, अभी नहीं मनाना, ठीक, देयर इज नो हॉलीडे, 30 दिन की मेरे को या तो एग्जाम छोड़ देना, ठीक, तैयारी मत, बिल्कुल मत करना, छोड़ देना, ठीक, या तो फिर फोड़ देना, फोड़ ही देना, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, नो ऑप्शन इज बेटर ऑप्शन, नो ऑप्शन इज अ ग्रेटेस्ट ऑप्शन, सबसे अच्छा ऑप्शन और ग्रेटेस्ट मैं बोल देता हूँ, ठीक, ये मेरे को तो करना ही है भाई, करना, तो फिर मतलब अब आलस नहीं है, ठीक, उठना भी मेरे को जल्दी है, अब मत ये सोचना कि यार अब नहीं उठे तो फिर जिंदगी भर सोते ही रहो, ठीक, सर्दियों का मौसम पता नहीं उठता है, मतलब नहीं उठा जाता किसी से नहीं, अगर नहीं उठे तो फिर कैसे आगे बढ़ेंगे, सब सो रहे हैं, आप भी सोइए, क्या दिक्कत है, पड़े रहेंगे, तो बी डिफरेंट, ठीक, कुछ अलग करेंगे तभी अलग बनेंगे, ठीक। सो आई होप ये सारा शेड्यूल आपको समझ में आ गया हो, ठीक, और मैं विश्वास के साथ कर रहा हूँ, ठीक, आप पूरा बस एक क्या मतलब एक कंटिन्यूटी बना के रखना इसमें, ठीक, गैप मत मारना यार, जब देखो हम क्या करते हैं, जरा सा भी गैप मार देते ना फिर वो चीजें मेरी पिछड़ती चली जाती है, बहुत टाइम लगता है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैंने क्या किया था, दूसरे मंथ में मैं घर एक्चुअली चला गया था और मैंने लगभग 4-5 दिन नहीं पढ़ा था, ठीक, उसके बाद ना यार मैं मतलब मेरा मन ही नहीं किया, मेरे 10 दिन ऐसे 15 दिन वेस्ट हो गए पता ही नहीं चला, फिर मन ही नहीं करता, बड़ा मुश्किल से ट्रैक पे ला पाया, ठीक, और फिर इतने सारे एक्सपेरिमेंट करके फिर मेरे को ये, क्योंकि रिवीजन प्लेज मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा जो रोल प्ले करेगा वो रिवीजन ही करेगा आपका, जितना ज्यादा रिवीजन होगा उतना ही ज्यादा मेरा नॉर्मल डिलीवरी होगा, उतना ही ज्यादा मेरा आउटपुट होगा, ठीक है। तो आई होप आपको यार अच्छा लगा, ठीक, मैंने अपना ये व्यू दिया, ठीक, जो मैं फॉलो कर रहा हूँ, ठीक, मेरे को थोड़ा सा इसमें क्या कॉन्फिडेंस आया, और मेरे को लगता नहीं हाँ यार एक दिन में 5 सब्जेक्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक, और मेरे को लगता भी हाँ ये पढ़ा था ये पढ़ा था, तो फिर कॉन्फिडेंस अलग लेवल का था, वो चीज याद भी रहती, क्योंकि अब यार रिवीजन, अब ऐसा नहीं मतलब एक सब्जेक्ट पढ़ लिया पढ़े हैं मतलब लगे पड़े 3-4 दिन, क्या अब मैटर ही नहीं करता, ठीक, फरवरी मेरा एग्जाम लगा, ठीक, गेट का भी मेरा सेमेस्टर का भी, तो सब मैनेज करना यार, और मैनेज करना पड़ेगा, मैनेज होता नहीं है, मैनेज करना पड़ेगा, ठीक, और एग्जाम फोड़ना पड़ेगा अगर लाइफ बनानी है तो, ठीक, और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक, तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जय हिंद जय भारत। तो हाँ मैं शॉर्ट नोट्स आपको दिखाने की बात कर रहा था, ठीक, ये देखिए एक तो मेरा ये मेरा नोटबुक है, ठीक, एक मेरा ये नोटबुक इसमें पूरा मेरा शॉर्ट नोट्स है, ठीक, और एक मेरी ये देखिए ये मेरे ये इतने शॉर्ट नोट्स हैं, ठीक, इसमें मेरा पूरा सिलेबस, ठीक, पूरा मेरा सिलेबस कवर है, ठीक, इसमें कुछ पेज ले लेता हूँ मैं आपको दिखाने के लिए, ठीक, मैं कुछ पेज ले लेता हूँ, ठीक,
जैसे मैं अपना उसके रेंकाई वेपर साइकिल की बात करूं, ठीक, मेरा देखिए वन पेज में आपको आई होप दिख रहा होगा, ठीक, एक पेज में मेरा क्या पूरा दिखे, सब पूरा मेरा, ये पूरा इससे ज्यादा नहीं आएगा, ठीक, सारा रेफ्रिजरेशन क्या होता है उसका, रेफ्रिजरेशन करेंगे, ठीक, वेरियस प्रोसेसेस होंगे, ठीक, तो मेरा ठीक क्या मेरा रेंकाई पेपर साइकिल होता है उसकी रिलेशनशिप वगैरह वगैरह, उस पर क्या इफेक्ट पड़ते हैं, ठीक, रीजनरेशन के क्या होंगे, ठीक, ये वगैरह वगैरह मेरे देखिए एक चैप्टर में, मतलब एक पेज में, सॉरी, ठीक, इधर कुछ भी नहीं है, ठीक। जैसे मैं बात कर लूँ, ठीक, ये मैंने कुछ ले लिया, जैसे मेरा ये फ्लूइड मशीनरी हो गया, ठीक, जैसे मेरा ये फ्लूइड मशीनरी मैं किया, ठीक, तो मेरा पूरा फ्लूइड मशीनरी यार ना सिर्फ इतने में खत्म, खत्म फ्लूइड मशीनरी मेरा एक पेज में खत्म, इससे ज्यादा नहीं। और मैंने सारा मतलब इसी से गेट का क्वेश्चन प्रीवियस सॉल्व कर लिया, मैं बता रहा हूँ, मतलब ये पूरा निचोड़ है माय डियर, ठीक, ये मेरा पूरा निचोड़ है, मैंने इससे पूरा सॉल्व कर लिया, ठीक। सिमिलरली अगर मैं दिखा दूं, ठीक, जैसे ये मेरा है इसको जो सीपीएम पर नेटवर्क एनालिसिस है, ठीक, नेटवर्क एनालिसिस का मेरा पूरा देखिए एक इधर एक पेज ये, और पूरा इसमें तो थ्योरी भी है, ठीक, इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो इसमें थ्योरी भी है, ठीक, ये देखिए आपको पार्ट, ठीक, इसमें तो सारा क्वेश्चन, ठीक, और सारा क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ठीक। तो ऐसे ही मेरा मतलब पूरा, अब ये जो टाइम है ना, बस अब इनको भी क्या रटना नहीं बैठ गया, ठीक, बस क्या है देखते जाना, मतलब पढ़ते जाना, आपके लिए थोड़ा बहुत हो सकता है डिफिकल्ट, मतलब कोई नई चीज, तो आप जो भी पढ़ रहे हो, ठीक, जो भी आपको फॉर्मूला वाइज है ना, तो वो बस मैक्सिमम आपको रिवाइज करना है, ठीक, मैक्सिमम देना, ठीक, और कम से कम एक दिन में पांच सब्जेक्ट तो लेने ही है, ठीक, तो ये तो मैंने सब समझाई दिया, ठीक, पांच होंगे तो पांच, मतलब पांच होंगे बीस, चार दिन पूरा सिलेबस कंप्लीट। इससे बेटर स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है कि पांच दिन में मैं पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट कर ले रहा हूं, तो मेरे लिए इससे अच्छी कोई बात होगी? और मैं पूरे सिलेबस को मैं बात करूं, अगर चार से बात करूं, मेरे को मान लीजिए मेरे कितने, मेरे को 28 दिन का मंथ मान लेता हूं, ठीक, है तो ज्यादा, ठीक, मैं तो सेवन टाइम्स में पूरा सिलेबस हर रिवाइज कर डालूंगा, सात बार, ठीक, तो समझ सकते हैं सात बार कितना कॉन्फिडेंस आ जाए, कितना अच्छा एग्जाम जाए, ठीक। अगर यहाँ पे 60-70 भी आ गया ना इस बार, तो अगली बार तो तुम यार फोड़ ही डालोगे, ठीक। तो अपने अंदर एक यार आग तो लेके चलना, सीने में आग लगा लेना, और एक महीने तक ठीक कंटिन्यूटी में लगी रहनी चाहिए, अगर बुझ जाए तो फिर लगा लेना, ठीक, माचिस लगा लेना, ठीक, जिससे मतलब लगी रहे, समझ रहे ना, बैसी मत लगा लेना, आई होप, ठीक। तो बस बी सीरियस, ठीक, तो हमें अपनी मेहनत करनी है, चलिए, और आई होप, आशा करते हैं हम सभी लोग मिलके एक अच्छी मेहनत करेंगे, ठीक है, चलिए, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।